प्यारे बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग चल रहा होगा आज चूंकि हमें शुरू करना है मिश्रण यानी कि मिक्सचर ठीक है और इसका क्लास दो बजे से होना था लेकिन आज ट्यूटर अभियान की वजह से है ना थोड़ा सा उसमें बिजी रह गए क्लास नहीं ले पाए अतः न यूट्यूब पर न इस पर अतः दोनों पर हम कम्बाइंड रूप से इस क्लास को ले रहे हैं यूट्यूब पर भी और अपने के टी क्लासेज ऐप पर भी ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए चैप्टर का ध्यान दीजिएगा मिश्रण की अगर हम बात करें तो आपको मैंने रेशियो पर हाथ रुका है याद होगा आपको ठीक है और यहाँ पे जो मिश्रण है ना मिक्सचर ठीक है तो कहीं ना कहीं ये रेशियो से मिलता होता टॉपिक होगा और एक टॉपिक होगा रूल ऑफ़ एलिगेशन रूल ऑफ एलिगेशन ठीक है भैया रूल ऑफ एलिगेशन ठीक है तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं मिश्रण हमें होना है जिसका बहुत सारा पार्ट जो है रेशियो से मिलता जुलता नज़र आएगा और रोल एलिगेशन थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है लेकिन इसमें भी बहुत चीज हमें सीखने को मिलेगा और इसको पढ़ने के बाद रेशियो मेरा हंड्रेड परसेंट कंप्लीट होगा क्लियर है भाई चलिए तो शुरुआत करते हैं मिश्रण का पहला क्वेश्चन से जो हम रेशियो में पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन के ख्याल से इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे आशीष गुप्ता रिशभ निशांत विनीता ठीक है चलिए आप ही लोग बोल रहे थे कि सर रात को भी समय निकाल लीजिए क्लास गैप बंद करिए तो हम क्लास लेकर आ गए हैं ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ पे कहता है गौर से समझिएगा कि दूध और पानी के मिश्रण में यहाँ पे कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है सात अनुपात पाँच क्लियर भाई इसमें पंद्रह लीटर पानी और मिला दिया जाता है कहता है कि इसमें पंद्रह लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है सात अनुपात आठ तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाता है सात अनुपात आठ तो बताइए कि मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे गौर करिएगा ये बात हम रेशियो में पढ़ चुके हैं लेकिन मिश्रण के आगे के कंसेप्ट सीखने के लिए ये हमें जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग ढंग का क्वेश्चन आएगा जो हम देखेंगे ही धीरे धीरे पंचे क्वेश्चन के बाद अब यहाँ पे गौर करिए इसमें बोले थे दो आइटम होता है एक आइटम यहां पे मिलाया जाता है और दूसरा आइटम नहीं मिलाया जाता है यानी कि ये क्या होता है कांस्टेंट होता है जैसे दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें पानी मिला रहा है दूध बिल्कुल क्या है स्थिर है तो जो आइटम मिलाया जाएगा उसकी मान तो चेंज होगा लेकिन जो मिलाया नहीं जाएगा उसका मान क्या चेंज होगा नहीं होगा भैया है ना पहले जितना दूध था उतना ही दूध अब भी रहेगा क्यों क्योंकि ना दूध तुमने निकाला है और ना दूध को मिलाया है अतः यहां पर गौर करिएगा सात दूध था अब भी दूध सात है क्लियर है लेकिन पानी देखो पहले कितना था अनुपात के रूप में पांच लेकिन अब कितना हो गया आठ पहले पानी कितना था पांच अब कितना हो गया आठ तो अनुपात को देखकर आप कह सकेंगे कि पानी जो है भैया पांच से बढ़कर आठ हो गया यानी कि अनुपातिक तीन मिलाया गया है पानी कितना मिलाया गया है अनुपातिक तीन लेकिन वैल्यू के रूप में अगर आप देख रहे हैं तो कहिएगा पंद्रह लीटर मिलाया गया है ये ने कह रहा है कि पंद्रह लीटर पानी मिलाया गया है और ऐसे देख रहे थे कितना मिलाया गया है तीन तब तो कह सकते हैं कि अनुपातिक तीन का वैल्यू कितना हो जाएगा पंद्रह यानी तीन सोने के सिक्का का वैल्यू पंद्रह तो एक सोने के सिक्का का वैल्यू क्या हो जाएगा पाँच बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है हमसे पूछा है कि पानी की कुल मात्रा बताओ तो पानी कितना था भैया पान था यानी पाँच का मान हमको बताना है नए मिश्रण में सॉरी यहां पे कह रहा है कि नए मिश्रण में यहां पे कह रहा है कि नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ तो नया मिश्रण तो ये है ना ये तो पहले वाला मिश्रण है पानी मिलाने के बाद नया मिश्रण ये प्राप्त हुआ तो इसमें पानी की मात्रा क्या है यही आपका सवाल है आप ही बताओ एक का वेल्यू अगर पांच हुआ एक सोने के सिक्का का वेल्यू अगर पांच हुआ तो आठ सोने के सिक्का का वेल्यू आठ पच्चीस कितना हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा यह बात आप पहले के क्लास में रेशियो क्लास में आप पढ़ चुके हैं ठीक है लेकिन इसी पे हम मिश्रण का निब डालेंगे अतः ध्यान रखिएगा इसको हमको जानना बहुत जरूरी है अब एक बात और बताओ यह भी मैंने बताया था कि जो भेलू होता है है ना जिससे इसमें भेलू कौन दिया हुआ है तो पंद्रह लीटर उसको कहां लिखते हैं ऊपर और इसी के अनुपातिक मान से हम भाग दे देते हैं ठीक है क्लियर है आज जिसका मान निकालना होता है उसे गुना कर देते हैं मान किसका निकालना था हमको तो नए मिश्रण पाने की मात्रा है ना इसके अनुपातिक मान से इसमें क्या कर देते हैं? गुना तब भी मेरा मान आ जाता था यहां पे देखो पांच तीस पंद्रह आठ पच्चीस चालीस सारी बात को आपको दिमाग में रखना है ये बात सारी बात को आपको दिमाग में रखना है कोई भी बात आपसे मिस नहीं होनी चाहिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यह भी मैंने बताया था कि अगर जो वैल्यू है जो वैल्यू है उसमें उसके अनुपातिक मान से भागा देते हैं तो यह जो मान निकलता है अनुपातिक एक का मान निकल जाता है यह मान जो निकलता है अनुपातिक एक का मान निकलता है इतना अब जान रहे हैं ठीक है चलिए अब यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर दो को इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहां पे कहता है पचहत्तर लीटर गौर से समझिएगा यहां पे कहता है कि पचहत्तर लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पचहत्तर लीटर जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात भैया है दो अनुपात एक दो अनुपात एक है क्लियर है गौर से समझिएगा यदि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए यानी अभी उसको मन भरा नहीं है कहता है मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात हो जाए एक अनुपात दो ठीक है यह मेरा क्वेश्चन है मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात बदलकर हो जाए एक अनुपात दो मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको क्या बताया तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पानी मिलाया है दूध क्या होगा? होगा। पहले जितना है, उतना ही है दूध क्यों? तो डाला, डाला, डाला है और ना ही दूध निकाला है अतः पहले दूध था तो अब भी दू ही होना चाहिए है ना दोनों क्या होना चाहिए सेम तो क्या ये दोनों बराबर है तो कहिएगा नहीं बराबर है तो क्या करें इसको मिटा के लिख दे दो बराबर हो जाएगा नहीं बराबर करने के लिए हमें गुना का सहारा लेना होता है अब जानते हैं रेशियो हम पढ़ा हाँ चुके हैं यानी कि अगर ये दोनों को बराबर करना होगा तो ये वाला सैकड़ा में ये वाला सैकड़ा में गुना करो या दो से सिर्फ इसमें गुना करोगे तब भी इक्वल हो जाएगा तो दो से इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा दू तो यहां भी करना होगा दो से गुना बात आ गया समझ में अब देखो दूध पहले दूध था अब कितना हो गया दूध लेकिन पानी पहले कितना था भैया एक था पानी पहले कितना था भैया एक था लेकिन अब कितना हो गया तो कहोगे चार हो गया अब कितना हो गया दूध चार हो गया तो पानी कितना मिलाया नहीं बता दोगे पानी तुमने कितना मिलाया तो कहोगे अनुपातिक तीन मिलाया यही मान आपसे पूछा जा रहा है ठीक है अनुपातिक तीन का ही मान आपसे पूछा जा रहा है पानी कितना मिलाया तीन मैंने क्या बताया आपको मैंने बताया कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें इसके अनुपातिक मान से भागा दोगे तो अनुपातिक एक का मान निकलेगा अब ऐसे चलते हैं तब दूध और पानी का मिश्रण कह रहा है कि पचहत्तर लीटर है दूध और पानी का मिश्रण है पचहत्तर लीटर यहां से अगर दूध और पानी को देखते हैं तो दूध है अनुपातिक दू और पानी है अनुपातिक एक यानी इसका मिश्रण कितना हो गया तो कहोगे दो तीन हो गया यानी पूरा मिश्रण यहां से आपको कितना दिखाई दे रहा है तो कहोगे अनुपातिक तीन दिखाई दे रहा है यहां कितना कह रहा है पचहत्तर लीटर तो ये पचहत्तर में अगर ये अनुपातिक तीन से तुम भागा दोगे तो ये पच्चीस लीटर क्या आ जाएगा तो कहेंगे भैया ये अनुपातिक एक मान आ जाएगा यानी एक सोने के सिक्का का वैल्यू आ जाएगा

हमसे डायरेक्ट उत्तर निकालना है तो वेलू दिया हुआ है टोटल का कितना है मिश्रण पचहत्तर लीटर अनुपातिक मान इसका नीचे डालो टोटल मिश्रण अनुपात के रूप में तीन है जो मान निकालना है उससे गुना कर दो कौन मान निकालना है कितना पानी मिलाया कितना पानी मिलाया तीन तो तीन से गुना कर दो आपका उत्तर आ जाएगा सीधा सीधी आ जाएगा ठीक है तो आप जैसे अपनाओ है ना प्रैक्टिस सब मेथड पे होनी चाहिए सारे तरीके पे होनी चाहिए क्लियर है टेंशन मतलब भैया यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन और खराब क्वेश्चन नहीं होती है ये मैथ फाउंडेशन है है ना आप वो क्लास कर रहे हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं है ना देखते जाओ अगर नशा नहीं क्वेश्चन में आ गया हमारे क्लास में जीरो से स्टार्ट होती है और कहीं ना कहीं उसका लेवल इतना हाई जाता है कि सामने वाले को फिट आने लगता है टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन का लेवल आगे अपने आप आ जाएगा यहां पे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीन यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन कहता है दूध और पानी वाले चालीस मिट्स में चूंकि यह क्वेश्चन परसेंटेज में भी हम बताएंगे और यहां पर बताएं इसको हम दो तरीका से बनाते हैं लेकिन पहला तरीका का हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे जो अभी हम बता रहे हैं वही तरीका की बात करेंगे यहां पे कहता है गौर से समझिएगा कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के मिश्रण में 40 लीटर मिश्रण है कितना लीटर मिश्रण है 40 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी है 10 प्रतिशत भैया पानी अगर 10 है तो दूध कितना होगा 90 यानी इसको कहने का मतलब है कि दूध और पानी का अनुपात है नौ अनुपात एक यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत कहता है पानी है दस प्रतिशत पानी है दस प्रतिशत यानी दस पानी है तो दूध कितना है नब्बे है यानी दोनों का अनुपात हो गया नौ अनुपात एक अब कहता है नए मिश्रण में पानी 20 परसेंट बनाने के लिए कितना पानी मिलाना होगा यानी नया मिश्रण में 20 परसेंट पानी बनाने की बात कर रहा है यानी कि दूध होगा 80 या पानी होगा 20 काटोगे तो होगा चार अनुपात एक क्लियर है यानी इसको कहने का मतलब यह है कि इसमें कितना पानी और मिला दें इसमें भैया कितना पानी और मिला दें कि यह अनुपात हो जाए चार अनुपात एक क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं अभी तो हम यही क्वेश्चन देख रहे थे यहां से गौर से देखिए लेकिन अंतर था यहां पे रेशियो दिया हुआ था लेकिन यहां पे यही बात प्रतिशत बोला था मैंने रेशियो जब पढ़ा रहा था तो आपको बोले थे कि कभी भी भाषा उर्दू में रहे बांग्ला में रहे फारसी में रहे यानी कि प्रतिशत में रहे गुना के रूप में रहे अधिक के रूप में रहे तो उसको अपनी भाषा यानी रेशियो में कन्वर्ट करने आना चाहिए जिस पर बहुत आपको हम समझाए भी थे ठीक है अगर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया कि नहीं क्या आप नहीं बना लोगे तो बिल्कुल बना लोगे तुम यहां पे कहोगे कि भैया पानी मिलाया है है ना दूध तो बिल्कुल कांस्टेंट है जब दूध कांस्टेंट है तो दूध का मान बदलना चाहिए क्या तो कहेंगे नहीं अतः तो दोनों को क्या करेंगे इक्वल करेंगे इक्वल करने के लिए क्या करोगे तो ई वाला से एकरा में गुना ई वाला से एकरा में गुना कर दो इक्वल हो जाएगा अगर यहां पर चार से किया तो यहां पर भी आपको चार से करना होगा यहां नौ से किया तो यहां भी आपको नौ से करना होगा बस आपका क्वेश्चन बन गया ठीक है कितना पानी मिलाया ये मेरा क्वेश्चन था तो देखो यहां पे आपका है चार यहां पे आपका है नौ तो देख के पता चल रहा होगा कि चार से नौ होने का मतलब अनुपातिक पांच पानी मिलाया जिसका मान आपसे पूछा जा रहा है क्लियर है भैया चलिए अगर यहां पे अनुपातिक एक का मान निकालोगे तो मिश्रण की मात्रा है चालीस लीटर इसका अनुपातिक मान से भागा दे दो कितना है तो कहोगे नौ एक दस तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसको तुम बदल चुका है चार से गुना वैल्यू दो दो एक एक तो कितना हो जाएगा भैया पांच लीटर यही मेरा प्रश्न का जवाब होगा कि कितना पानी मिलाना होगा तो कह देंगे पांच लीटर डायरेक्ट उत्तर निकालना था तो बिल्कुल आप निकाल सकते थे वैल्यू दिया हुआ था कुल मिश्रण का जो है चालीस लीटर यहां से कुल मिश्रण दिखाई दे रहा है यानी तो कि सारी बात हमारे जेहन में चलनी चाहिए ठीक है तो हमें लगता है यह भी बात आपको बताया था मैंने यहां पर देखो अगला क्वेश्चन यही है उम्मीद करते हैं कि आप बना लोगे लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन को एक तरीका से और आपको बता दें कहीं आप भूल गए होंगे है ना कहीं आप भूल गए होंगे तो दिक्कत होगा मैंने बोला था कि इसको प्रतिशत मेथड से भी बनाना बहुत आसान है वो कैसे तो देखो चालीस लीटर है हम मान लेते हैं कि पानी कितना मिलाया तो कह लेते हैं एक लीटर कितना पानी मिलाया एक लीटर ठीक है तो पानी जब मिलाया है तो दूध की मात्रा तो स्थिर है दूध की मात्रा क्या है स्थिर है तो देखो पहले 40 लीटर में 10 परसेंट पानी था यानी कि दूध कितना था तो कहेंगे 90 प्रतिशत यानी 40 का 90 प्रतिशत चालीस का 90 प्रतिशत पहले दूध था हाँ या ना अब दूध कितना है है ना अब दूध कितना है तो कहोगे भैया एक लीटर मैंने पानी मिलाया है दूध मिलाया नहीं यानी कि मिश्रण हो गया चालीस प्लस एक्स मिश्रण हो गया चालीस प्लस एक्स ठीक है भैया मिश्रण हो गया चालीस प्लस एक्स इसको थोड़ा सा हटा देना चालीस जो मिश्रण था इसमें एक लीटर आपने पानी मिलाया तो मिश्रण तो बढ़ गया कितना हो गया चालीस प्लस एक्स और पानी कितना होना है 20 परसेंट यानी कि दूध कितना हो जाएगा भाई तो कहेंगे 80 परसेंट बीस परसेंट पानी हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा 80 परसेंट यह पहल का मात्रा में हो गया दूध की मात्रा अब पानी मिलाने के बाद वाला ये हो गया दूध की मात्रा चूंकि दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः दूध क्या रहेगा इक्वल रहेगा इससे भी बनाना आपको आसान होगा हल करिएगा आपका उत्तर आ जाएगा देखो परसेंटेज जाए है सुनना परसेंटेज सुनना आपका कट जाएगा यहां पर देखिए काटिएगा तो आठ पच्चे चालीस भी आपका कट जाएगा यानी नौ पच्चे पैंतालीस बराबर आ जाएगा चालीस प्लस एक्स यानी एक बराबर आ जाएगा पांच लीटर है ना ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा ठीक है भैया ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं दूसरा तरीका आपका ये होगा जो मैंने बताया भी है अब प्रतिशत आएगा तब भी हम बताएंगे टेंशन नहीं लेना है लेकिन हमको यही मेथड लेकर चलना है हमको यही मेथड लेकर चलना है अब चलते हैं एलिगेशन अलग है भैया एलिगेशन का टेंशन मत लो पूरे क्लास करेंगे उसके बाद समझ में आता है ठीक है अब यहां पे ध्यान देना एलिकेशन की बात अलग होती है अब यहां पे ध्यान देना मदरा और पानी का 80 लीटर मिश्रण में 60 प्रतिशत मदरा है कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में मदरा 50 प्रतिशत हो जाए इसे आप बना लेंगे क्या बना लेंगे क्या दोनों विधि से बना लेंगे आप बिल्कुल बना लेंगे क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन है नहीं बनेगा हमसे पूछेगा अगले क्लास में हम बता देंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे ये है है ना इसको भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसे भी आप बक्को बनाना है इसे भी आपको बनाना है ध्यान देना है दोनों विधि से आपको बनाना है क्लियर है बनाना है वो भी दोनों विधि से दोनों विधि से दोनों विधि से है ना रेशियो से भी और परसेंटेज से भी ये ध्यान रहे सारा मेथड मेरे पास होना चाहिए जब एग्जाम में हम बैठेंगे तो जो दिमाग में आया वो हथियार का हम यूज कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए अगला टाइप अगला टाइप इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अब गौर करो इस क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है अब यहां पर गौर करिए क्वेश्चन वही है ना क्वेश्चन वही है कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया कमेंट्स का बताइएगा सर यूट्यूब पे भी लाइव है क्या हाँ यूट्यूब पे भी लाइव है हाँ 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 चूकि आज यूट्यूब पर हम समय नहीं मिला था लाइव आने के लिए अतः दोनों क्लास में हम लाइव कर दिए हैं ठीक है, है? आशीष विवेक ठीक है बनेता चलो कोई बात नहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई कौन से समझेगा यहाँ से टाइप यह टू की हम बात कर रहे हैं कहता है नब्बे लीटर यहां पे समझिए अब कहता है नब्बे लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दूध और पानी का अनुपात है आठ अनुपात सात क्लियर है भाई कहता है नब्बे लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है आठ अनुपात सात यदि मिश्रण में कुछ मात्रा निकाला जाता है जिसमें सात लीटर पानी था इसके बाद बचे हुए मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि दूध और पानी जो था वो था आठ अनुपात सात में सबसे पहले एक बार बताइए हमको क्या टोटल मिश्रण की मात्रा 90 लीटर है यहां से देखते हैं तो आठ सात पंद्रह अनुपात के रूप में है तो ये 15 से अगर आप भागा दोगे तो कितना आ जाएगा 6 लीटर ये क्या निकलेगा अनुपात एक का मान निकल जाएगा क्या ये मौखिक अब निकालना है आपको क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा आने वाला है अतः तो सब क्रिया मौखिक होना चाहिए है ना पंद्रह का नब्बे एक का वैल्यू कितना हो गया छे तो ये आठ का वेलू कितना हो जाएगा आठ का अड़तालीस लीटर होगा बात समझ में आ रहा है ये सात का वैल्यू कितना होगा तो कहेंगे सत्साह सक का बयालीस लीटर होगा यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन कह रहा था ऊपर करेंगे इंग्लिश वाला क्वेश्चन झप जाएगा है ना इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिश्रण में कुछ मात्रा निकाला जाता है यानी ये मिश्रण में निकालने का मतलब सोचो अगर ये मिश्रण है आठ अनुपात सात में अगर तुम इसमें से एक गिलास एक गिलास एक गिलास तो मिश्रण निकाल लेता है तो जो निकलेगा जो निकलेगा उसमें भी दूध और पानी का रेशियो आठ अनुपात सात ही होगा क्या तो कहेंगे बिल्कुल जी उसमें भी आठ अनुपात सात में ही होगा कहो कैसे तो एक बाल्टी में अगर शर्बत घोरते हो चीनी और पानी का ठीक है पूरा घोल दो घोलने के बाद उससे एक गिलास निकालकर उसको दो आ एक गिलास निकालकर उसको दो, आ दोनों को कहो कि पियो तो बताओ ज्यादा मीठा कौन होगा तो भी अगर मिश्रण आठ अनुपात सात में था दो पानी आठ अनुपात सात में था तो जो निकाला गया होगा वह भी निकला होगा आठ अनुपात सात में आठ अनुपात सात में यहां पे कहता है सात लीटर पानी निकाला गया है आप ही बताओ अगर सात लीटर पानी निकला है यानी ये सात लीटर तो ये दूध कितना निकला होगा तो कहेंगे आठ लीटर क्योंकि आठ अनुपात सात में तो है ही बात आ गया समझ में अगर सात लीटर पानी निकाला गया है अगर सात लीटर पानी निकाला गया है तो तुम्हें बताओ कि दूध कितना निकला होगा तो चूंकि ये सात निकला होगा तो एक का वेलू सात तो आठ का वेलू आठ हो जाएगा यानी कि दूध कितना निकला होगा तो हम कहेंगे आठ लीटर ही निकला होगा बात समझ में आया यानी ये बच गया होगा आपका पैंतीस लीटर है ना ये मिश्रण में पानी बच गया होगा पैंतीस लीटर और दूध बच गया होगा चालीस लीटर बात आ गया समझ में यहां तक इन्हीं को दिक्कत प्रश्न कहा कि सात लीटर पानी था जो मिश्रण निकाला गया उसको में सात लीटर पानी निकला यानी कि आठ लीटर क्या निकला होगा दूध तो पानी बचिया होगा पैंतीस लीटर और दूध बच गया होगा चालीस लीटर अब कहता है, इसके बाद बचे हुए मिश्रण में यानी ये जो मिश्रण बचा उसमें एक लीटर मैंने पानी मिला दिया लो भैया एक लीटर इसने पानी और मिला दिया तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा तो एक लीटर पानी और मिला दिया तो ये हो जाएगा छत्तीस लीटर और पानी तो इतना ही रह जाएगा क्योंकि पानी में तो सॉरी दूध पानी हो जाएगा छत्तीस लीटर और दूध तो इतना ही रह जाएगा क्योंकि दूध, तो जाएगा, क्योंकि दूध उसने मिलाया नहीं यही इसका नया मिश्रण बनेगा इसी का आपका अनुपात पूछा है आप ही बताओ कि इसका अनुपात क्या होगा तो कहोगे भैया चालीस अनुपात छत्तीस होगा काट कुट करोगे चार से दस और नौ चौ छत्तीस दस अनुपात नौ होगा दस अनुपात नौ होगा ये ऑप्शन आपका सही होगा क्लियर है अब यहाँ पे किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा किन्हीं को समझने में अगर कोई कठिनाई है तो हमको बता दीजिएगा किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिएगा ठीक है भैया दस अनुपात नौ क्लियर है ये चीज या नहीं है क्लियर है या नहीं है सो बता दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन है ना स्टेप बाय स्टेप मेरा नेचर ही है मेरा असाइनमेंट में भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो बिल्कुल जीरो से मिलेगा अब वो स्टेप बाय स्टेप है ना लेवल बाय लेवल ऊपर पढ़ता है ठीक है अब यहां पे गौर करिएगा इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा यहां पे क्या कहता है कि यदि मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा पच्चीस प्रतिशत हो जाता है कोई बात नहीं यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी दूध और पानी का मिश्रण है यहाँ पर भी दूध और पानी का मिश्रण है लेकिन किस रेशियो में है हमको पता नहीं लेकिन लेकिन कहता है मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाया जाता है यानी जो भी मिश्रण था उसको में तुमने एक लीटर पानी मिलाया क्लियर है बात को समझते जाना है जो भी मिश्रण था दूध और पानी का उसमें एक लीटर एक लीटर पानी मिलाया गया तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25 प्रतिशत हो गई दूध की मात्रा 25 होने का मतलब कि अगर दूध 25 हुआ होगा तो पानी कितना हुआ होगा भाई तो कहेंगे पचहत्तर पानी कितना हुआ होगा भाई तो कहेंगे पचहत्तर यानी पचीती या पचहत्तर यानी कि तीन अनुपात एक हो गया होगा ये पच्चीस परसेंट कहने का मतलब ये है कि पानी और दूध का अनुपात तीन अनुपात एक हो गया होगा यानी दूध और पानी का अनुपात एक अनुपात तीन हो गया होगा ये ये कहना चाह रहा है यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है समझने में तो हमको बता दीजिए ये प्रश्न कहा कि नए मिश्रण में नए मिश्रण पहले एक लीटर मिश्रण में पानी मिलाया क्या मिलाया पानी मिलाया तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25 प्रतिशत हो गया दूध 25 हो गया तो पानी कितना हो गया पचहत्तर यानी कि एक अनुपात तीन हुआ दूध पानी एक अनुपात तीन हुआ दूध पानी एक अनुपात तीन, तीन हो जाता है यदि इस नए मिश्रण में दो लीटर दूध और मिला दिया जाए लो भैया अब कहता है कि जो नया मिश्रण तैयार हुआ इसमें यदि दो लीटर दो लीटर अब की बार क्या मिलाया दूध मिलाया कहता नए मिश्रण में दो लीटर दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा अब की चालीस प्रतिशत हो जाएगा यानी दूध अगर चालीस होगा तो पानी कितना होगा भैया साठ यानी बीत दूनी चालीस 20 या साठ यानी ये दो अनुपात तीन में हो जाएगा यह कह रहा है कि दो जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें अगर दो लीटर हम दूध और मिला दें तो नया मिश्रण में दूध की मात्रा चालीस प्रतिशत हो जाएगा यानी कि दो अनुपात तीन हो जाएगा आपको बताना है प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत मात्रा क्या है किसका दूध का चलो भैया यहां तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए किन्ही को भी कोई समझने में दिक्कत है तो हमको बता दीजिए अब देखो हम बनाते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपका कैलकुलेशन वहां से होना चाहिए जहां पे आपको डाटा दिया हुआ हो देखो अगर यहां से ऊपर झाप देते हैं इस प्रकार से तो ये वाला रो देखो कुछ दिखाई दे रहा है दिखाई दिखाई दे रहा है तो कहोगे हां सर ये दूध है एक और पानी है तीन इसमें दूध दो लीटर मिलाया गया पानी मिलाया नहीं गया क्लियर है यहां पे कौन कॉमन है तो कहेंगे पानी कॉमन है यहां पे कौन कॉमन है तो हम कहेंगे पानी कॉमन है क्योंकि पानी नहीं मिलाया गया है ठीक है दूध मिलाया गया है पानी बदलना चाहिए कहोगे नहीं तो पहले पानी तीन था अब भी तीन है चलो कम बन गया दूध देखो पहले एक था अब कितना हो गया दू तो दूध कितना मिलाया तो कहोगे अनुपातिक एक मिलाया दूध कितना मिलाया तो कहेंगे अनुपातिक एक यानी यही एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दो लीटर एक का वैल्यू दो लीटर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा दो लीटर तो तीन का वैल्यू कितना होगा भैया तो तीन थी नौ लीटर यहां तक समझ में आया या नहीं आया अब ये नौ या नौ लीटर अब यहां पर देखो ये नौ लीटर कैसे हुआ ये नौ लीटर कैसे हुआ तो कहोगे भैया पानी एक लीटर मिलाया था तब ये नौ लीटर हुआ यानी कि यहां पे पानी कितना था यानी यहां पे पानी कितना था तो नौ से एक कम था यानी आठ लीटर था यहां पे आठ लीटर था एक लीटर तुमने मिलाया तो यह बढ़कर कितना हो गया नौ लीटर दूध तो तुमने मिलाया ही नहीं था तो अगर यह नया मिश्रण में दूध दो लीटर है यानी यहां पर भी दूध कितना रहा होगा दो ही लीटर रहा होगा आ गया समझ में शुरू वाला प्रारंभ वाला मात्रा निकल के सामने आ गया या नहीं आ गया हमसे पूछा है कि दूध की प्रतिशत मात्रा प्रारंभ में प्रारंभ में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है तो तुम ही बताओ कि प्रारंभ में दूध कितना है तो कहोगे दो है कितना में तो कहेंगे आठ है दो दस में प्रतिशत में पूछ रहा है तो सौ परसेंट से क्या कर देंगे गुना कर देंगे है ना जब प्रतिशत बताएंगे तो इसके बारे में और कुछ सीखने को मिलेगा यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना है तो बीस ऑप्शन hmm? कोई नहीं मिला कहीं गड़बड़ हो गया क्या क्लियर है भाई बी आ रहा है पचास प्रतिशत कहां गड़बड़ हो गया फिर से एक बार देख लेते हैं इसको ठीक है लगता है कहीं पे कहीं पे गड़बड़ हो गया है फिर से एक बार देख लेते हैं जो स्नेस समझोगे वो भी क्लियर हो जाएंगे अब यहां पे ध्यान दीजिए एक बार कहता है मिश्रण में दूध और दूध और पानी का अनुपात है ना पता नहीं क्या है लेकिन एक लीटर पानी मिला दिया जाता है मिश्रण में एक लीटर पानी मिलाओगे तो भैया है ना सिर्फ पानी मिलाया है दूध नहीं बदलेगा तो मिश्रण में दूध की मात्रा 25 प्रतिशत हो जाती है अगर दूध 25 होता है इसका मतलब पानी कितना हो जाता होगा

और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 40 प्रतिशत हो जाती है यानी दूध अगर 40 होगा तो पानी कितना होगा भैया 60 होगा तो बीत दूनी चालीस 20 या साठ यानी कि ये दो अनुपात तीन हो जाती है ये क्वेश्चन कह रहा है मैंने देखा मैंने देखा यहां से नीचे ऊपर पर छोड़ दो क्योंकि डाटा आकरा हमको यहां पे दिखाई दे रहा है परिपूर्ण आकरा यहां पे दिखाई दे रहा है तो मैंने देखा दूध मिलाया है दो लीटर दूध मिलाया है दो लीटर पानी तो मिलाया नहीं तो पानी का मान नहीं बदलना चाहिए यानी पानी पहले तीन था अब भी तीन होना चाहिए Osionfish. बिल्कुल है अतः हमको कुछ नहीं करना हमको सिर्फ यह देखना है कि दूध तुमने अनुपात के रूप में कितना मिलाया तो एक से बढ़कर दूध हो गया है दो यानी हम कहेंगे अनुपात के रूप में कितना मिलाया तो एक मिलाया यही एक का वैल्यू क्या हो जाएगा दो यही एक का वैल्यू क्या हो जाएगा दो तो यहां से गौर करिएगा एक का वैल्यू दो लीटर तो इसका मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा भैया दो लीटर यहां पे मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा तो एक का वैल्यू दो तो तीन का वेलू दूधी छ लीटर हो जाएगा कितना हो जाएगा लीटर जखने लगता यह गड़बड़ आ गया था नहीं चलो ये छे लीटर कैसे आया तो कहेंगे एक लीटर पानी मिलाने के बाद ये छे लीटर हुआ है यानी पहले ये कितना था तो हम कहेंगे पांच लीटर था पहले कितना था पांच लीटर था लेकिन मैंने दूध तो मिलाया नहीं अतः दूध जो यहां पे है वही दूध यहां पे रहा होगा यानी प्रारंभिक जो मात्रा होगा है ना यही वाला होगा प्रारंभ में प्रारंभ में जो मात्रा रहा होगा यही रहा होगा कि दूध रहा होगा दो लीटर और पानी रहा होगा पाँच लीटर हमसे पूछा प्रारंभ में दूध की प्रतिशत मात्रा भैया क्या है तो प्रारंभ में दूध है दो दू, कितना में भैया तो कह देंगे पाँच दो सात में अतः सौ में क्या होगा यही इसका प्रतिशत मात्रा होगा यानी इसको हल करिएगा तो आ जाएगा अट्ठाईस है ना 200 में सात से भाग सौ में चौदह छः हाँ अट्ठाइस पॉइंट फाइव सेवन प्रतिशत आ जाएगा ये आपका उत्तर होगा सी ठीक है उस समय यहां पे कैलकुलेशन में कुछ दूसरा डिजिट आ गया था ए वाला कुछ गड़बड़ हो गया था क्लियर है या, हाँ या ना बताइए थोड़ा तो सा कॉमेंट्स करके बताइएगा हाँ 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 बिल्कुल एक का दो लीटर का तीन का सो लीटर होगा हां सुधार दिए ठीक है ये गलती हो रहा था ठीक है भाई क्लियर है क्लियर है अभी बहुत बढ़िया मजे मजे क्वेश्चन आएगा बहुत मजेदार आएगा ठीक है अब यहां पर बढ़े आगे देखो अब इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अंग्रेजी वाला क्वेश्चन मजबूरी में हमको झापना पड़ रहा है क्योंकि है ना समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है आठवां नंबर का एक क्या कहता है नहीं समझ में आया तो इसमें समझ जाइएगा इसमें समझ जाइएगा कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात गौर करिए यहां पर कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है एक अनुपात तीन आराम से समझिए भाई इतना स्लो तो हम पढ़ा रहे हैं कहता है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है एक अनुपात तीन यदि मिश्रण में एक लीटर मिश्रण में एक लीटर दूध और मिला दिया दूध ये है कि कहोगी कहता ये मिश्रण जो है उसको मैं एक लीटर दूध और मिला दिया लो भैया यहां पे एक लीटर दूध और मिला दिया एक लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात सात अनुपात पंद्रह हो जाता है यह अनुपात बदलकर कितना हो जाता है सात अनुपात पंद्रह हो जाता है आगे बोलता है अब इस मिश्रण में पचास लीटर पानी मिलाने पर अनुपात दो अनुपात पांच होता है लो फिर कहता है कि यह मिश्रण में अब कि मैंने क्या किया पचास लीटर पचास लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात हो जाता है दो अनुपात पांच ये आपका क्वेश्चन है तो का मान क्या होगा यही का मान आपसे पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन आई समझ में अब आप ही बताओ कि आपको आंकड़ा कहां पे पूरा पूरा आंकड़ा कहां पे दिखाई दे रहा है तो कहेंगे ऊपर छोड़ दीजिए नीचे देखिए नीचे नीचे दिखाई दे रहा है पहले दूध पाने था सात अनुपात पंद्रह में तुमने पचास लीटर पानी मिलाया तो अनुपात बदलकर हो गया दो अनुपात पांच तुमने भैया पानी मिलाया दूध मिलाया क्या तो कहेंगे नहीं मैंने दूध नहीं मिलाया तो दूध का मान बदलना चाहिए तो नहीं बदलना चाहिए यह बदला हुआ है इसको पहले क्या करेंगे बराबर करेंगे कैसे बराबर करेंगे तो ई वाला से एकरा में आई वाला से एकरा में गुना कर देंगे चलो तो ये दू से एकरा में गुना करोगे तो दू इसमें करोगे तो यहां भी दू से करना होगा बात आ रहा है समझ में आई वाला से एकरा में तो सात से तो यहां करोगे तो यहां भी सात से गुना करना होगा अब गौर करिए यहां पर पानी कितना हो गया तीस गौर से देखिए यहां पे पानी कितना हो गया तीस यहां पे पानी कितना हो गया पैंतीस क्या कुछ पता चला तो हां पहले तीस था अब पैंतीस हो गया पहले तीस था अब पैंतीस हो गया यानी कि अनुपातिक पांच मैंने पानी मिलाया प्रश्न कहता है कितना पानी मिलाया तो कहेंगे पचास लीटर कितना पानी मिलाया तो कहेंगे पचास लीटर तो ये पांच का वेलू कितना हो गया भैया पचास लीटर नीचे से करते हैं ताकि है ना ऊपर लिखने बन जाएगा पांच का वेल्यू कितना हो गया पचास लीटर जब पांच का वेलू पचास लीटर

यहां पे मान कितना हो जाएगा तो कहोगे एक का वैल्यू दस एक का वैल्यू दस तो तीस का वैल्यू तीस दहा तीन सौ कितना होगा भैया तीन सौ क्लियर है यहां तक यहां तक इन्हीं को दिक्कत नहीं अब यहां पे गौर करो आगे ऊपर में ऊपर में देखो यहां तक आंकड़ा मिल गया कि यहां पे दूध था एक सौ चालीस लीटर और पानी था तीन सौ लीटर अब यहां से यहां में देखोगे तो तुमने देखा दूध मिलाया है तुमने देखा दूध मिलाया है क्या पानी मिलाया है नहीं पानी मिलाया है तो पानी जब मिलाया नहीं तो इसका मात्रा बदलेगा

सौ लीटर यहां पे दूध रहा होगा सौ लीटर आप ही बताओ आप ही अब बताओ हमको कि यहां पे का मान क्या होगा यहां पे सौ था यहां एक सौ चालीस सौ से एक चालीस कैसे हुआ है तो प्रश्न कहा है कि ये दूध में एक लीटर दूध तुमने मिलाया है एक लीटर तो बताओ तो कितना दूध मिलाया है पहले सौ है अब हो गया एक तो कहोगे भैया एक में से सौ गया चालीस लीटर तुमने दूध मिलाया है यानी यह एक्स मान कितना होगा चालीस लीटर चालीस मिलाया तो सौ से बढ़कर कितना हो गया एक सौ चालीस हुआ यही मेरा प्रश्न था कि एक्स का मान क्या होगा यानी चालीस लीटर होगा यानी पहला यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही होगा क्लियर है यहां तक क्लियर है जल्दी बताइए क्लियर है क्लियर है हाँ या ना जल्दी कमेंट दीजिए ताकि आगे हम क्लास को बढ़ा सकें जल्दी कमेंट दीजिए ठीक है मिश्रण का क्लास है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा है ना टेंशन मत लीजिए बताइए किन्हीं को दिक्कत चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ को क्वेश्चन नंबर नौ को यहाँ पे है ना यहां पर ध्यान दीजिएगा ए है क्वेश्चन नंबर नौ आपका क्लियर है भैया ये प्रश्न कहता है कि एक बर्तन में दूध की मात्रा साठ प्रतिशत कम है एक बताओ यहां पे भी दूध और पानी का रेशियो की बात किया इधर लिखते हैं ब्लू कलर से लिखते हैं यहां पे कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा के बारे में बोला है क्या बोला है कि दूध की मात्रा साठ प्रतिशत कम है साठ प्रतिशत कम है दूध की मात्रा साठ प्रतिशत कम है यानी अगर पानी सौ है तो इससे साठ कम यानी कि यह चालीस है नहीं कहता है दूध जो है साठ प्रतिशत कम है यानी पानी अगर सौ है तो सौ से साठ कम दूध चालीस है तो बी दूनी चालीस बी पच्चीस सौ यानी कहना चाह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है दो अनुपात पाच यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो हमको बता दीजिए यह कहना चाह रहा है यह लाइन कि यहां पर दूध और पानी का अनुपात है दो अनुपात पाँच क्लियर है भाई अब आगे बढ़ो अब आगे बढ़ो यहां पर है ना ये लाइन समझ में आ गया होगा फिर आगे बोलता है कि जब मिश्रण में एक लीटर दूध मिलाया जाता है लो मिश्रण में एक लीटर दूध मिलाया जाता है लो भैया मैंने एक लीटर यहां पे दूध मिला दिया एक लीटर दूध मिला दिया तो दूध और पानी का अनुपात तीन अनुपात पांच हो जाता है या दूध और पानी का जो अनुपात है वह तीन अनुपात पांच हो जाता है यह कह रहा है तीन अनुपात पांच हो जाता है क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं अब इस मिश्रण में से बाई लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह अनुपात सात अनुपात दस होता है यानी यह जो मिश्रण तैयार हुआ इसको में से अब पुनः क्या करता है कि पानी निकाल लेता है माइनस दे दिए मिश्रण में से बाई लीटर पानी निकाला गया तो यह अनुपात हो जाता है सात अनुपात दस यानी यह अनुपात बदलकर हो जाता है सात अनुपात दस क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत अब इस मिश्रण में तीस लीटर दूध मिलाने पर लो फिर मिला रहा है इस मिश्रण में लो हम तो सोचे नहीं थे कितना लंबा है देखो कितना लंबा किया है इस अब इस मिश्रण में तीस लीटर दूध मिलाने पर अब कहता अब इस मिश्रण में तीस लीटर इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो ठीक है भैया अब इस मिश्रण में तीस लीटर दूध मिलाने पर अब इस मिश्रण में तीस लीटर दूध मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात चार अनुपात पांच हो जाता है चार अनुपात पांच हो जाता है तो x और बाई का मान क्या है ये आपका क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत लेंदी लग रहा है भैया बहुत लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई जान है क्या तो कहेंगे नहीं जान है कैसे गौर करिए यहां पे आ जाइए हमको ऊपर नहीं देखना यहां से नीचे देखना दूध पानी का मिश्रण पहले सात अनुपात दस था तुमने तीस लीटर दूध मिलाया तो यह अनुपात को हो गया चार अनुपात पांच तुमको पता है कि तुमने भैया दूध मिलाया है पानी तो मिलाया नहीं पानी तो मिलाया नहीं तो पानी का मान इक्वल होना चाहिए इक्वल तो है नहीं तो इक्वल करने के लिए क्या इसको मैं दो से गुना कर दें तो इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे जी बिल्कुल ये दे भी दस हो जाएगा ये भी दस हो जाएगा ये इक्वल होते के साथ आपको पता चल जाएगा कि अनुपात के रूप में आपने दूध कितना मिलाया पहले दूध था सात अब हो गया है आठ यानी अनुपात के रूप में देखा जाए तो अनुपातिक एक, एक मिलाया गया नहीं क्योंकि सात से आठ हो गया तो अनुपात के रूप में अगर देखेंगे तो कितना दूध मिलाया गया तो कहेंगे सात से आठ हुआ है यानी कि अनुपातिक एक मिलाया गया तो यही अनुपातिक एक का वैल्यू ना हो गया तीस लीटर है ना यही अनुपात एक का वैल्यू कितना हो गया तीस लीटर जब एक का वैल्यू तीस निकल गया भैया एक का वैल्यू तीस निकल गया तो ये सात का वैल्यू तुम नहीं कह दो दो दोगे भैया कि एक सिक्का का वैल्यू तीस तो सात सिक्का का वैल्यू सत्या इक्कीस दो सौ दस लीटर नहीं कह दोगे क्या उसी ढंग से एक सिक्का का वेल्यू तीस तो दस सिक्का का वैल्यू तुम नहीं कह दोगे तीन सौ लीटर हाँ या ना अरे भैया एक सोने के सिक्का का वेल्यू अगर तीस है तो दस सोने के सिक्का का वेल्यू कितना हो जाएगा तीस गुने दस यानी कि तीन सौ चलो अब इसके ऊपर बढ़ो ऊपर यहां तक आते हो तो तुमने देखा कि जो मिश्रण था तीन अनुपात पांच में दूध पानी का मिश्रण था तीन अनुपात पांच में उसमें से तुमने बाई लीटर पानी निकाला है बाई लीटर पानी निकाला है बाई लीटर पानी निकाला है क्या दूध निकाला है क्या दूध मिलाया है नहीं ना दूध नहीं मिलाया है तो दूध का मान क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए दूध का मान क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए अब अगर दूध का मान इक्वल होना चाहिए भाई तो यहां पे जितना दूध था उतना ही दूध यहां पे भी होना चाहिए तो यहां अगर 210 लीटर दूध है तो यहां पर भी कितना दूध आना चाहिए तो 210 लीटर आई बात समझ में नहीं आई अरे भैया तुमने दूध तो मिलाया नहीं तुमने दूध तो मिलाया नहीं तो दूध जितना था उतना ही होना चाहिए ना तो यहां पर अगर दो लीटर दूध है तो, था था, तो था था। यहां पर भी दो ही लीटर रहा होगा है ना क्यों क्योंकि दूध तुमने मिलाया ही नहीं है क्लियर है इससे क्या निकल गया तो तीन का वैल्यू दो सौ दस निकल गया तीन सोने के सिक्का का वैल्यू दो सौ दस निकल गया तो एक सोने के सिक्का वैल्यू कितना हो जाएगा सत्तर ना तीन सिक्के का वैल्यू दो सौ दस एक सिक्का का वैल्यू सत्तर एक सिक्के का वैल्यू सत्तर हुआ तो पांच सिक्के का वेलू सात पचे पैंतीस कितना हो गया तीन सौ पचास हो गया यहां से आपका एक का मान तो भैया निकलते नजर हमको आ रहा है एक का मान तो बिल्कुल निकलते आ रहा है बाई का मान देखो साढ़े तीन सौ से घटकर हो गया तीन सौ है ना यानी कि कितना कमा तो कहोगे पचास लीटर यानी कि कितना निकाला तो कहोगे पचास लीटर यानी बाई का मान कितना हो जाएगा पचास लीटर यहां पे साये तीन सौ लीटर था पचास लीटर निकाला मिश्रण घटकर कितना हो गया, घट हो गया पानी घटकर कितना हो गया तीन सौ लीटर क्लियर है बाई का मान तो मेरा निकल गया अब रहना है एक्स मान है ना का मान अब यहां पे ध्यान देना इसके आगे बढ़ो इसके आगे बढ़ते हो तो गौर से देखो दूध और पानी के मिश्रण दो अनुपात पांच में था इसमें तुमने एक लीटर दूध मिलाया है एक लीटर दूध मिलाया है क्या पानी मिलाया है तो कहेंगे नहीं भैया जब पानी नहीं मिलाया तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए यानी अगर यहां पे पानी आपको दिखाई दे रहा है तीन लीटर तो यहां पे भी पानी रहा होगा तीन ही लीटर क्यों क्योंकि तुमने ना पानी निकाला है ना पानी मिलाया है है ना तो 350 था 350 है लेकिन अब यहां से देखो पांच का वैल्यू हो गया 350 तो एक का वैल्यू हो जाएगा 70 एक सिक्का का वैल्यू 70 तो दो सिक्का का वैल्यू हो जाएगा 70 दूनी 140 70 दूनी 140 कितना हो जाएगा भैया 140 लीटर यानी यानी यहां पे दूध था 140 लीटर तो इससे आपको अब की बार इससे आपको अब की बार किसका मान निकल गया भैया तो गौर से देखो यहां पे 140 लीटर दूध बता रहा है और यहां पे दूध कितना बता रहा है दूसरा कलर ले लेते हैं यहां पे दूध बता रहा है 140 लीटर यहां पे दूध कितना बता रहा है 210 लीटर तो 140 से 210 होने का मतलब है कि 70 लीटर 70 लीटर अंतर कितना आया 70 लीटर यानी 70 लीटर दूध यहां पे मिलाया गया है ठीक है भैया सत्तर लीटर दूध यहां पे मिलाया गया है तो 140 था 70 मिलाया 210 हो गया हमें लगता है सारी बात क्लियर हो गई होगी सारी बात क्लियर हो गई होगी हमसे पूछा x का मान क्या है? तो भैया 70 लीटर अब बाई आपका कितना है तो कहेंगे 50 लीटर यानी आपका उत्तर आ जाएगा 120 लीटर क्लियर है x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 120 लीटर देखो भाई हम पूरे आराम से मैंने बनाया है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत कम मिलेगा है ना एग्जाम में बहुत कम मिलेगा लेकिन आपका रेशियो का मेथड बेसिक जो मेथड होता है वो 100 परसेंट आपको क्लियर हो जाएगा कितनों क्वेश्चन घुला कर देगा तो उसको आराम से बना लोगे ठीक है और यही सब की नॉलेज के अभाव में विद्यार्थी को जो लेवल की बात करते हैं नहीं बहुत सा कहते हैं सर लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए तो लेवल कुछ भी नहीं होता है आप किस कंसेप्ट से पढ़े हैं डिपेंड उस पर करता है अतः ऐसे क्वेश्चन को बार बार आप बनाएंगे आराम मूड से बनाएंगे आगे बढ़ें आगे बढ़े अब देखिए आगे का क्वेश्चन यहां पे ये वाला देखिए तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मजेदार क्वेश्चन है गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर दस को रेशियो उम्मीद कर रहे हैं कि आपका पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए भैया रेशियो पूरा पढ़ा होना चाहिए कहता है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात सात अनुपात तीन है एक बात हमको और बताइए कमेंट्स करके क्या रेशियो से कोई अलग कंसेप्ट चल रहा है अभी तक नहीं भैया बिल्कुल शुद्ध रूप से रेशियो ही चल रहा है लेकिन यह मिश्रण का क्वेश्चन है आगे आपका टाइप भी चेंज होगा उसमें अलग ढंग का क्वेश्चन भी दिखाई देगा हो सके आपके नजर से वो क्वेश्चन गुजरा भी ना हो वैसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेकिन वही स्टेप बाई स्टेप चलेगा ये है ना एकदम से लेवल बाई लेवल चलेगा कहता है बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है सात अनुपात तीन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले इसको ठीक है कहता है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ठीक है कहता है बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है सात अनुपात तीन मिड़ी कैसे जाता है दूध और पानी का अनुपात है सात अनुपात तीन क्लियर है भैया आगे क्या बोलता है जब मिश्रण में एक लीटर दूध मिलाया जाता है लो ये मिश्रण में इसने क्या किया एक लीटर दूध मिला दिया एक लीटर इसमें दूध मिलाया पानी नहीं एक लीटर बार बार मिट जा रहा है पता नहीं कहता है मिश्रण में एक लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात सत्रह अनुपात हो जाता है सत्रह अनुपात, हो जाता है। अनुपात भाई यहां तक चलो अब इस मिश्रण में से तीन दशमलव पांच लीटर दूध और तीन लीटर पानी मिलाया जाता है लो अब क्वेश्चन को समझो क्या कहता है कहता है ये जो मिश्रण तैयार हुआ इस मिश्रण में साढ़े तीन लीटर दूध यहां पे है ना ये जो मिश्रण प्राप्त हुआ इसको में साढ़े तीन लीटर दूध साढ़े तीन लीटर दूध और तीन लीटर पानी मिलाया जाता है लो दोनों मिलाया गया यहां पे तीन लीटर क्या मिलाया जाता है पानी मिलाया जाता है तीन लीटर पानी मिलाया जाता है क्लियर है पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है पांच अनुपात दो तो कहता है कि दूध और पानी का अनुपात हो जाता है पांच अनुपात दो तो भैया बता दो कि एक्स का मान क्या है ये मेरा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है और उम्मीद करते हैं कि आप रेशियो का कंसेप्ट तो पूरा जानते ही है इसको भी बनाने में कोई भार नहीं होना चाहिए दोनों में या कमी दे दे दोनों में यहाँ पे दोनों में या कमी दे दे तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां से अगर ऊपर छोड़ दो यहां से यहां देखो, तो आपको पता है तिर से तो चौदह तो किया कितना आएगा भैया तो कहेंगे सोलह इसको मिटा देते हैं कुछ देरी के लिए ठीक है इसको मिटा देते हैं कुछ देरी के लिए है ना यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ आएगा यहाँ पे देखो यह हो गया सत्रह दूनी चौतीस और शो पच्ची तीस में से तीस गया कितना आ जाएगा अनुपातिक चौतीस में तीस जाएगा चार आ जाएगा बात आ रहा है समझ में है ना ऐसे मैंने गुना किया ये मेथड आप में बहुत बार बहुत बारीकी से अब प्रैक्टिस भी आप कर लिए होंगे क्योंकि हम बोलते हैं जब भी आपको हम पढ़ाते हैं तो बार बोलते हैं जो मेरा असाइनमेंट है ना जो मेरा असाइनमेंट है उससे बाहर कुछ भी नहीं है उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है हर एक टाइप का क्वेश्चन है उसको बार बार दस से बारह बार आपको बनाना है कम से कम ताकि मेथड बिल्कुल दिमाग में हंड्रेड बैठ जाए अब वहां रेशियो में पढ़ा हुआ मेथड यहां पर आया तो हमको सोचना नहीं पड़ना चाहिए दोनों में जब वृद्धि दोनों में कमी एक में वृद्धि चौतीस तो में से तीस गया कितना आया भैया चार अब क्या करोगे करोगे यहां पे? अब क्या करोंगे? इसको ऐसे इसको ऐसे गुना करके अंतर निकालोगे ये मैंने आपको बताया है है हाँ ना ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा पांच कितना आ जाएगा पांच तिया का पंद्रह ऐसे करोगे तो कितना तो आ जाएगा सात तो इसका अंतर निकालोगे तो अच्छा। कितना आ जाएगा भैया आठ कितना आ जाएगा आठ है ना ये आप करना जानते होंगे चार का वेल्यू आठ हो गया तो तुम्हें बताओ एक का वेल्यू कितना हो गया तो कहेंगे दो एक का वेलू कितना हो गया दो इसको हटा देते हैं समझ गए बात को यहां पे जो अनुपातिक एक आप निकालते थे यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा यहां से जो अनुपाती एक कमान तीस निकालते थे है ना तो इसको में एक तरफ या कमी होता था लेकिन जब दोनों तरफ या कमी होगा तो क्रॉस डिफरेंस से अनुपातिक एक का मान निकालते हैं अनुपातिक एक कमान कितना आ गया भैया तो दो लीटर आ गया अब जब एक का वैल्यू दो लीटर है तो आप ही बताओ कि यहां पर सत्रह का वैल्यू कितना हो जाएगा सत्रह का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहोगे एक का वैल्यू दो तो सत्रह का वैल्यू सत्रह दूनी चौंतीस लीटर हो जाएगा क्लियर है भाई यहां पे एक का वैल्यू दो है तो बताओ छे का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहोगे छे दूनी बारह लीटर हो जाएगा ah. यहां तक क्लियर है हाँ यहां तक का काम मेरा खत्म ऊपर बढ़ते हैं ऊपर बढ़ते हैं तो ए रेशो को देखना है दूध और पानी का रेशो पहले था सात अनुपात तीन में तुमने एक लीटर दूध मिलाया है क्या पानी मिलाया है तो कहेंगे नहीं जब पानी नहीं मिलाया तो पानी का मान बदलना चाहिए कहेंगे नहीं बदलना चाहिए यहां पे पानी अगर 12 लीटर है तो यहां पर भी पानी रहा होगा 12 लीटर ही ये सहमत है क्यों? कि तो तो तीन गधा का वेल्यू बारह यानी कि तीन सोने के सिक्का का वेल्यू बारह तो एक सिक्के का कितना हो जाएगा चार एक सिक्के का वेल्यू चार तो सात सिक्के का वेल्यू सचो कितना हो जाएगा अट्ठाईस लीटर अब तुम ही बताओ हम को कि कितना दूध मिलाया गया है तो कहोगे 28 से भैया 34 हो गया है 28 से भैया 34 हो गया है तो x यानी कि कितना तुमने दूध मिलाया तो 34 घटा 28 यानी कि 6 लीटर कितना तुमने मिलाया भैया यहाँ पे दूध तो कहोगे छह लीटर तब ना अट्ठाईस अशो चौंतीस लीटर हो गया होगा और यहाँ पे कहता है कि कितना दूध मिलाया है एक लीटर तो एक का मान कितना हो गया छह लीटर बस आपका उत्तर आ गया बी आई बात समझ में या नहीं आई आई बात समझ में या नहीं आई सो बताइए क्लियर है भाई यहां तक किन्हीं को दिक्कत है कॉमेंट्स करके थोड़ा बताइएगा आप लोग का कॉमेंट बिल्कुल स्थिर है क्या बात है भाई क्या बात है नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी कॉमेंट्स करके बताइएगा देखो भैया एक तो क्वेश्चन ही दो हाथ का है क्वेश्चन बड़ा छोटा कैसे हो सकता है ठीक है इतने जगह हमको बनाने के लिए मिलता है है ना हम हट भी जाते हैं साइड भी हो जा रहे हैं चलिए किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा किन्हीं को दिक्कत है चलो अब देखो इससे भी हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने है इससे भी हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्यारह नंबर का आपके सामने है सचिन आशीष ओके क्लियर है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सो बताइए सचिन हां आशीष गुप्ता हां आशीष गुप्ता ओके सचिन थम्सअप चलिए भैया बहुत अच्छा सर थोड़ा बड़ा लिखिए चलो यहां पे देखो ये कहता एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात उन्नीस अनुपात सात है ठीक है अब गौर समझिए गौर से समझिएगा क्वालिटी बढ़ाकर देखिए ना सब कुछ पता चल जाएगा ठीक है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है उन्नीस अनुपात सात बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पे कहता है ओह लिखते हैं या मिट जाता है क्या बीमारी हो गया है कहता है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है उन्नीस अनुपात सात उन्नीस अनुपात सात उन्नीस अनुपात सात फिर कहता है यदि मिश्रण में ए लीटर दूध मिलाया जाता है मिश्रण में यहाँ पे कह रहा है कि ए लीटर ए लीटर दूध मिलाया जाता है ए लीटर दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात तीन अनुपात एक हो जाता है तो यह अनुपात जो है तीन अनुपात एक हो जाता है यदि मिश्रण में बी लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात सात अनुपात दो हो जाता है लो अब जो मिश्रण बना उसमें कहता है कि बी लीटर बी लीटर यहाँ पे कहता है मिश्रण में बी लीटर पानी सॉरी निकाला जाता है यहाँ पे है पानी निकाला जाता है गौर से देखिएगा यदि मिश्रण में बी लीटर पानी निकाला जाता है तो नया अनुपात सात अनुपात दो हो जाता है यह अनुपात जो है सात अनुपात दो हो जाता है ठीक है यदि और है आगे भैया अभी अभी आगे और आगे है फिर कहता है यदि अब इस मिश्रण में साढ़े सात लीटर दूध मिला दिया जाए और ढाई लीटर पानी निकाल लिया जाए साढ़े सात लीटर दूध मिला दिया जाए यहां पे गौर करना यहां पे कहता है कि साढ़े सात लीटर दूध मिला दिया जाए और ढाई लीटर पानी मिला दिया जाए भैया ढाई लीटर यहां पे कहता है पानी मिला दिया जाए पानी मिला दिया जाए तो दूध और का अनुपात हो जाता है पैंतालीस अनुपात एगारह लो पैंतालीस अनुपात एगारह तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा ये मेरा क्वेश्चन है बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है यहां पहले वाला में दो ही स्टेप था यहां पे यहीं तक था नहीं यहीं तक था लेकिन इसमें देखो है ना एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप कोई दिक्कत नहीं है है ना इससे क्या होता है ऐसे क्वेश्चन बनाने से आपका रेशियो का जो टोटल है दिमाग में सेट हो जाती है अब देखो हम बनाना स्टार्ट करते हैं यहां से तो क्लियर हो गया है दोनों में वृद्धि किया क्या करेंगे गुना का अंतर तो पैंतालीस दूनबे इगार सतर यहां पर क्या हो गए सतर और नब्बे पैतालीस दूनबे इगार सतर इसका क्या निकालेंगे अंतर है ना त्रीसा देखो पैंतालीस दूनबे में से सतर गया कितना बचेगा भैया तो दस में से सात गया तीन तेरा बचेगा तो हम सीधे यहां पे कहेंगे अनुपातिक तेरह का वेल्यू अनुपातिक तेरह का वेलू निकलेगा अब क्या करोगे तो इसको इससे गुना करोगे इसको इससे गुना करोगे है ना अगर इससे गुना करोगे तो पैंतालीस दून नब्बे और दो सौ पच्चीस नब्बे और दो सौ पच्चीस नब्बे और दो सौ पच्चीस ऐसे कितना हो जाएगा भैया तो कहोगे आपका हो जाएगा हीं लिख दे दशमलव पांच हो गया और यह हो गया दो और नौ दो ग्यारह हो गया फिर से समझिएगा यहां पर है ना पैंतालीस गुना दो दशमलव पांच करेंगे तो पैंतालीस दुनी नब्बे और पैंतालीस पच्चीस दो सौ पच्चीस एक अंक दशमलव कितना आ जाएगा ये तो आ जाएगा जोड़िएगा तो दशमलव पाँच दो नो दो ग्यारह ऐसे करेगा तो ग्यारह से गुना करना होगा तो कहिएगा दशमलव पांच दशमलव पांच है ना सात पच बारह के दो बाकी एक सात एक आठ ये आ जाएगा इसका अंतर निकालना होगा तो क्या होगा जीरो ये होगा जीरो ग्यारह में से आठ गया तीन ठीक है ना देख लो लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है पैंतालीस दूनी नब्बे और इगार सत्तर सतहत्तर यहां तक तो ठीक है दस में से सात गया तीन तेरह ठीक है अनुपातिक तेरह हो गया ऐसे किए तो यह हो गया पैंतालीस दूनी नब्बे पैंतालीस दूनी नब्बे और पैंतालीस गुना दशमलव पाँच तो ठीक पाँच दो नौ दो ग्यारह ठीक है ये हो जाएगा पाँच सात पाँच बारह के दो बाकी एक सात एक आठ ठीक तो है तो ये हो गया जीरो जीरो एवं तीस आ गया ऐसे नहीं आना चाहिए था देखो कहीं पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा तो सा कैलकुलेशन देख लीजिए एक कैलकुलेशन कहीं पर देख लीजिए कहीं पर गड़बड़ हो रहा है कहा कि ये कटने वाला आ रहा था पूरा पूरा देखो तो कहाँ सर दो दशमलव पाँच होगा दो दशमलव पाँच होगा दो दशमलव पाँच दो दशमलव पाँच ठीक तो है सही तो है लेकिन गलती थोड़ा सा यहां पे हो रहा है भैया यहां पे ध्यान दो हमसे मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है गौर से देखो यहां पे, यहां पे यहां पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा यहाँ पे देखो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा देखिए, यहां पे, पे क्वेश्चन था कि मिश्रण में साढ़े सात लीटर दूध मिलाया जाता है साढ़े सात लीटर दूध मिलाया जाता है और ढाई लीटर पानी निकाला जाता है गौर देखो यहां पे क्या है निकाला जाता है यहां पे क्या है निकाला जाता है हम यहां पे प्लस दे दिए हैं निकाला जाता है यानी क्या होगा या माइनस होगा यहीं पे गलती हो रहा था यह निकाला जा रहा है ठीक है तो यह हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस तो अंतर क्या निकलेगा जुट के निकलेगा अंतर क्या निकलेगा जुट के निकलेगा यहीं पर गलती हो रहा था ठीक है बाकी सब सही था तो जुड़ के निकलेगा तो तेरह का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेगा पांच पर दस का सुना बाकी एक दो, आ, दो चार एक ये हो जाएगा पांच और ग्यारह आठ उन्नीस हो जाएगा यानी एक सौ पंचानवे हो जाएगा तो एक का वैल्यू कितना होगा तो कहेगा एक पंद्रह हो जाएगा एक का वैल्यू भैया पंद्रह हो जाएगा ठीक है एक का वैल्यू क्या हो जाएगा पंद्रह यहां पे प्लस हो रहा था वही गलती यहां पे ढाई लीटर पानी निकाला जाता है निकाला जाता है तो माइनस होगा ना एक प्लस माइनस होगा तो अंतर क्या करोगे जोड़ के निकालोगे ठीक है चलो देख लेना है ना मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे प्लस कर दिए थे कि मिलाया गया है उसे गलती हो रहा था चलो एक का वैल्यू पंद्रह अब आप ही बताओ जब एक का वैल्यू पंद्रह तो सात का वैल्यू पंद्रह सत्तर पचहत्तर से एक सौ पांच हो जाएगा एक का वैल्यू पंद्रह तो दो का वैल्यू पंद्रह दूनी तीस हो जाएगा क्लियर है यहाँ पे कितना हो जाएगा तीस लीटर हो जाएगा क्लियर है आपने यहाँ पे देखोगे यहाँ से यहाँ तो तुमने दूध मिलाया है तो कहोगे नहीं दूध नहीं मिलाए हैं तो पहले जितना दूध था उतना ही दूध अब होना चाहिए तो यहाँ पे 105 लीटर दूध है तो यहाँ पर भी एक लीटर रहा होगा ठीक है तो तीन का वैल्यू एक तो एक का वैल्यू पैंतीस या पचहत्तर से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा पैंतीस लीटर क्लियर है पैंतीस लीटर अब यहां से आपको निकल जाएगा बी का मान है ना बी लीटर निकाला है यहां से देख रहे हैं तो पहले पैंतीस था अब तीस हो गया यानी कितना निकाला तो हम कहेंगे भैया पाँच लीटर निकाला यानी बी मान यहां पर आ गया पाँच लीटर आगे बढ़ो ऊपर में ऊपर बढ़ोगे तो पानी बिल्कुल कांस्टेंट है दूध तुमने मिलाया है पानी न मिलाया है ना निकाला है पानी इक्वल होना चाहिए तो यहां 35 है तो पानी यहां पे भी कितना होना चाहिए 35 कितना होना चाहिए पैंतीस लीटर तो सात का वेल्यू पैंतीस तो एक का वेल्यू पांच एक का वेल्यू पांच तो उन्नीस का वेलू कितना हो जाएगा उन्नीस पच पंचानवे लीटर अब यहां से आपको निकल जाएगा यहां से आपका निकल जाएगा का मान क्योंकि पहले दूध था पंचानवे अब हो गया एक सौ पांच यानी तुमने दूध कितना मिलाया तो पंचानवे यानी कि दस लीटर कितना दूध मिलाया तुमने दस लीटर यानी ए का मान कितना होगा दस लीटर तो देखो तुम्हें बी का मान भी पता हो गया ए का मान भी पता हो गया आपका सवाल था इसको हम मिटा देते हैं समझिएगा आपका सवाल यहां पे है आपका सवाल यहां पे है लेंदी क्वेश्चन है भाई आपका सवाल है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा तो ए का मान कितना है दस तो कहोगे दस का क्यू माइनस बी बी का मान है पांच पांच का क्यू यानी इसको हल करोगे तो हो जाएगा एक हजार माइनस एक सौ पच्चीस यानी आठ सौ पचहत्तर आपका मान हो जाएगा आठ सौ पचहत्तर यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा अब बताओ क्वेश्चन इजी है या हार्ड है क्वेश्चन का है ना लेनी देखो कितना लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको बार बार दो चार बार बनाना है इससे बनाने से फायदा क्या मिलेगा कि पूरा बेसिक रेशियो का आपका हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा हंड्रेड परसेंट क्लियर हो जाएगा है ना भले ही है ना कितनों घुलाकर क्वेश्चन दे आप बनाने में सक्षम हो जाओगे चलो ग्यारह के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बारह को ठीक है क्वेश्चन नंबर बारह को ये टाइप टू हम लोग देख रहे हैं है ना क्लियर है भाई क्लियर है आगे बढ़ें बहुत कम विद्यार्थी होंगे हाँ बिल्कुल होंगे क्योंकि कितना लेंदी क्वेश्चन है जो बता रहे हैं कहता एक बर्तन में ढाई लीटर पानी और मिला ढाई लीटर पानी और दूध दस लीटर है ठीक है यानी यहां पे कहता है कि एक बर्तन है ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कहता है एक बर्तन है जिसमें दूध है और पानी है यहां पे कहता है कि बर्तन में ढाई लीटर पानी पानी की मात्रा यहां पे दे रहा है कि ढाई लीटर है तथा दस लीटर दूध है कहता है दस लीटर भैया यहां पे क्या है दूध है चलो आगे बढ़ते हैं बर्तन से बीस प्रतिशत मिश्रण निकाला जाता है लो बर्तन से बीस प्रतिशत मिश्रण निकाला जाता है इस बर्तन से बीस प्रतिशत मिश्रण निकाला जाता है कितना प्रतिशत बीस प्रतिशत निकाला जाता है बीस प्रतिशत का मतलब क्या होगा एक बट्टा निकाला जाता है ऐसा भी हम कह सकते हैं बात को समझिएगा कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो मात्रा था वो दस लीटर था और ढाई लीटर था मिश्रण से 20 प्रतिशत मात्रा निकाला जाता है तो 20 प्रतिशत मात्रा मिश्रण निकाला मैंने पहले भी बताया था पुनः बताते हैं कि अगर अगर यहां पे दूध और पानी का जो रेशियो होगा दूध और पानी का जो रेशियो होगा अगर एक गिलास भी निकालोगे तो जिस अनुपात में दूध निकलेगा उसी अनुपात में पानी भी निकलेगा यानी कि जो अनुपात दूध और पानी का है मान लो यहां पर चार अनुपात पाँच है तो दूध और पानी जो निकलेगा वो भी आपको सेम रेशियो में निकलेगा चार अनुपात पांच में ही निकलेगा शुरू में मैंने आपको बताया तो यहां पे एक बात हमको क्लियर कर दीजिए एक बात हमें पांच मतलब निकला होगा यानी कि दूध कितना निकला होगा सॉरी दूध कितना निकला होगा दस का एक बटा पांच यानी कि दो लीटर निकला होगा बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है पानी कितना निकला होगा तो दो दशमलव पांच का एक बटा पाँच यानी कि दशमलव पांच यानी कि दशमलव पांच निकला होगा ये बात से आप सहमत हैं कि नहीं यानी ये निकालने के बाद इसका जो मात्रा बचा होगा तो दस में से दू गया आठ लीटर बचा होगा और इसका मात्रा जो बचा होगा वो दो लीटर बचा होगा बोलो हाँ या ना जल्दी हमको कॉमेंट्स करके बताओ ये बात आपको समय आया कि नहीं आया एक बर्तन में दूध था दस लीटर और पानी था ढाई लीटर तुमने इकट्ठे बीस निकाला यानी यानी कि एक बट्टा पांच निकाला तो एक बट्टा पांच जब आप निकाला तो जिस रेशियो में पहले दूध पानी था वही रेशियो में निकला होगा यानी दूध का भी एक बटा पांच निकला होगा और पानी का भी एक बटा पांच निकला होगा दूध है दस तो दस का एक बटा पांच निकलने का मतलब दो लीटर दूध निकला होगा दो लीटर पानी दो दशमलव पांच है तो दो दशमलव पांच का एक बटा पाँच यानी कि दशमलव पांच लीटर पानी निकला होगा यानी कि दो लीटर जब दूध निकला होगा तो अब दूध बच रहा होगा आठ लीटर और पानी बच रहा होगा ढाई में से दशमलव पाँच घटाइएगा तो दो लीटर क्लियर है यहां तक चलो क्लियर होना ही चाहिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भैया आगे बढ़ते हैं अब यहां के आगे क्या कहता है बीस पर मिशन निकाल लिया गया तो बचे हुए मिश्रण में एक लीटर पानी मिला दिया गया लो ये जो मिश्रण बचाना ये बचा हुआ मिश्रण है इसमें कहता है कि एक लीटर इसमें कहता है कि एक लीटर पानी मिला दिया गया जो बचा मिश्रण निकालने के बाद जो बचा उसमें 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 एक लीटर पानी मिला दिया गया जिससे पानी और दूध का अनुपात उल्टा हो जाता है यानी ये जो अनुपात था वो उल्टा हो जाता है यह अनुपात आप देखोगे तो क्या कहोगे चार अनुपात एक है तो उल्टा होने का मतलब क्या हुआ कि यह जो रेशियो है वह एक अनुपात चार में हो गया इसका उल्टा हो गया इसका क्या हो गया उल्टा हो गया चलो ये बात भी आप समझ गए हो गए यह बात भी आप समझ गए हो कि अनुपात उल्टा हो गया इसके बाद पुनः बाई लीटर दूध मिला दिया गया पुनः बाई लीटर क्या किया गया भैया तो दूध मिला दिया गया लो इसमें पुनः बाई लीटर बाई लीटर दूध मिला दिया गया बाई लीटर दूध मिला दिया गया जिससे पानी और दूध का अनुपात फिर से उल्टा हो गया फिर से उल्टा हो गया यानी कि एक अनुपात चार था तो यह हो गया चार अनुपात एक तो बताओ कि बाई मान क्या है बाई मान क्या है क्वेश्चन बिल्कुल आसान है क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आप चाहोगे तो आराम से बना सकते हो देखो क्वेश्चन का कोई जान जान नहीं होता है 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 क्वेश्चन में लेकिन जान उनके लिए आ जाता है, जो सिर्फ ट्रिक का पढ़ते हैं अगर जिनके पास बेसिक होगा है ना बहुत ही शॉर्ट तरीके से वो आराम से बना लेंगे अब ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे तो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको धर्या उड़ा देंगे इससे रेशियो का मेरा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है अब यहां पर गौर करो ऊपर छोड़ो जहां से आपको आंकड़ा दिखाई दे वहां से देखना स्टार्ट करो दूध था एक पानी था चार तुमने दूध मिलाया है बाई लीटर पानी मिलाया है तो कहेंगे नहीं जी पानी नहीं मिलाया तो पानी का मात्रा समान होना चाहिए यहां पे चार है तो यहां पे भी चार होना चाहिए चार लाने के लिए चार से गुना करना होगा यहां पर भी तो यहां पर भी क्लियर है बस मेरा काम हो गया पानी चार था चार हो गया यहां देखो पहले दूध था एक अब हो गया सोलह पहले दूध था एक अब हो गया सॉरी यहां 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 से हमको नहीं नहीं तो आंकड़ा है है ही बाई का पे जहां हमारा डाटा है वहां से हमें चलना चाहिए ना देखो डाटा हमारा यहां पे लीटर में है यहां तो एक बाई ये तो निकालना है तो हमको यहां से चलना होगा नहीं यहां से चलना होगा चलो यहां से चलना होगा इसलिए कि यहां भी बाई लीटर अज्ञात राशि है यहां भी अज्ञात राशि है डाटा मेरा यहां पे दिया हुआ जहां डाटा दिया हुआ हो वहीं से हमको चलना है तो यहां पर देखो दूध है आठ लीटर पानी है दो लीटर तुमने क्या मिलाया है पानी मिलाया है। क्या मिला है पानी मिलाया है। क्या दूध मिलाया है तो कहेंगे नहीं मैंने दूध नहीं मिलाया है तो दूध नहीं मिलाया तो दूध की मान बदलेगा

कहेंगे नहीं बदलेगा अगर ये बत्तीस था तो ये भी बत्तीस रहना चाहिए ये भी बत्तीस रहना चाहिए देखो एक करने से क्या मिल गया एक का वेल्यू मिल गया एक का वैल्यू बत्तीस तो चार का वैल्यू क्या होगा भैया एक का वैल्यू बत्तीस तो चार का वैल्यू क्या होगा तो बत्तीस गुने चार होगा तो आथ, चार दूनी आठ चार तिया बारह एक सौ अट्ठाइस लीटर आप ही बताओ कि अगर आपको बाई का मान पूछा गया है तो क्या बाई का मान नहीं निकाल लोगे आठ लीटर से बढ़कर एक सौ अट्ठाईस लीटर हो गया तो तुम्हें बताओ कितना दूध मिलाया गया तो कहेंगे एक सौ बीस लीटर कितना दूध मिलाया गया तो कहेंगे एक सौ बीस लीटर यही बाई मान हमसे पूछा गया था और अगर और अगर एक्स का मान पूछा गया होता तब भी हम बना लेते एक्स का मान यानी कि एक्स का मान क्या है तो दो लीटर से बत्तीस लीटर हो गया क्यों क्योंकि तुम इसको में एक लीटर पानी मिलाया है तो देखो यहां से निकल जाएगा कितना पानी मिलाया तो यहां भी तुम कह सकते हो तीस लीटर यहां पे भी कह सकते हो तीस लीटर अगर हमें एक्स की मान पूछा होता तो हम कहते तीस लीटर बाई का मान पूछा है तो एक सौ बीस लीटर क्लियर है भाई एक सॉरी एक प्लस बाई भी पूछ सकता था तो जोड़ के बता देते कुछ भी पूछा जा सकता है तो आराम से हम निकाल लेंगे कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो बता दीजिए अगर दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा झप जाएगा है ना इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा झप जाएगा ठीक है आप स्क्रीन ले सकते हैं ठीक है भैया नहीं जब तक ये टाइप समाप्त नहीं होगा हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को सर दर्द दे रहा होगा अप्लीकेशन वाले स्टूडेंट के आप कॉमेंट्स नहीं देख रहे हैं नहीं भैया हम किसी का कॉमेंट्स नहीं देख रहे हैं इसीलिए कि है ना कॉमेंट्स बॉक्स में बड़ा कॉमेंट्स बॉक्स में यूट्यूब का कमेंट्स खुला हुआ है और आप लोग का कमेंट्स हम सब मोबाइल पे देख रहे हैं ठीक है देख रहे हैं भैया सबका कमेंट देख रहे हैं ठीक है वैसा बात नहीं है ठीक है ऐप और यूट्यूब दोनों का कमेंट देख रहे हैं और ऐसे भी आज का क्लास जो था है ना क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा कितना लेंदी है अब यहां पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर तेरह का चलिए भैया क्वेश्चन नंबर तेरह को देखिए थोड़ा सा चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को ताकि जगह मिल जाए बताने का देखिए इस क्वेश्चन को कहता है एक बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण है 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर चलो यहाँ पे आ जाइए दूध और पानी यहाँ पर भी है तो शुरू हो जाइए ये आपका दूध है और ये आपका पानी है ये आपका दूध है और ये आपका पानी है इसमें मिश्रण है दो लीटर दूध और पानी का मिश्रण है दो लीटर जिसमें दूध की मात्रा 25 प्रतिशत है दूध अगर 25 है भैया अगर दूध 25 है तो पानी कितना होगा पचहत्तर यानी कि एक अनुपात तीन कहराइए जिसमें जिसमें दूध और पानी है एक अनुपात तीन में ये बात आप समझ आ गए कहता है दूध की मात्रा 25 प्रतिशत है, है। यानी कि दूध 25 है तो पानी कितना होगा पचहत्तर होगा यानी कि एक अनुपात तीन होगा यहां तक इन्हीं को दिक्कत चलो हटाओ इसको अब आगे बढ़ते हैं ये मिलीलीटर दूध मिश्रण में मिलाया जाता है मिश्रण में ए मिलीलीटर ए मिलीलीटर है ना ए ए मिलीलीटर ली ए मिलीलीटर मिश्रण में दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात उलट जाता है उलटने का मतलब एक अनुपात तीन था तो ये हो जाता है तीन अनुपात एक ठीक है फिर बी मिलीलीटर पानी और मिला दिया जाता है इसमें फिर कहता है कि बी मिलीलीटर बी मिली ली ली पानी और मिला दिया जाता है जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा उल्टा हो जाता है यानी तीन अनुपात के बदले ये हो जाता है एक अनुपात तीन है ना तो ए प्लस बी का मान क्या होगा लगता है क्वेश्चन वही है कि चेंज है एक पहले भी क्वेश्चन ऐसा था है ना उसको में एक क्यू माइनस बी क्यू का मान था ना चलो उसमें एक क्यू माइनस बी क्यू का मान था क्वेश्चन वही है अब क्या इसको बना सकते हो तो हाँ भैया अब तुमको पहले पता करना चाहिए आपको डाटा कहाँ पे है तो यहाँ देखो बर्तन में दूध और पानी का मात्रा कितना था दो सौ लीटर यहाँ पे दो सौ लीटर ये दूध और पानी मिलाकर यहाँ पे मात्रा दिया हुआ था दो सौ मिली लीटर दो सौ मिली लीटर ठीक है दूध पानी का मात्रा हमने बताया कि पूरा मात्रा में इसकी अनुपातिक मान से भागा देते हैं तो अनुपातिक एक का मान निकल जाता है यानी दूध पानी मिलाकर कितना है चार अगर इसमें चार से भागा दोगे तो अनुपात एक का मान निकल जाएगा कितना आएगा भैया तो कहेंगे पचास लीटर आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया तो आप कहेंगे पचास लीटर सॉरी पचास मिली आ जाएगा पचास मिलीलीटर आ जाएगा तो अनुपातिक एक का वैल्यू पचास यहां से निकल गया कि नहीं एक का वैल्यू कितना आ गया पचास मिलीलीटर ठीक है तो तीन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कहेंगे डेढ़ सौ मिली लीटर डेढ़ सौ मिली लीटर क्लियर है यहां पे देखोगे तो यहां पे दूध मिलाया गया है क्या पानी मिलाया गया है तो कहेंगे नहीं अतः पानी का मात्रा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा पानी की मात्रा कांस्टेंट होने का मतलब पहले अगर डेढ़ सौ मिली लीटर है तो यहां पर भी डेढ़ सौ मिली लीटर ही होगा ठीक है इससे निकल जाएगा एक का वेल्यू एक का वेल्यू डेढ़ सौ तो तीन का वेल्यू हो जाएगा साढ़े चार सौ कितना हो जाएगा साढ़े चार सौ मिलीलीटर यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये वाला यानी कि पानी मिलाया गया है दूध नहीं मिलाया गया है तो दूध की मात्रा क्या रहेगा यहां पे कॉन्स्टेंट रहेगा यानी यहां पे साढ़े चार सौ है तो यहां पर भी साढ़े चार सौ ही रहेगा क्लियर है लेकिन एक का वेलू साढ़े चार सौ होने का मतलब कि तीन का वेल्यू हो जाएगा साढ़े चार सौ तीर यह हो जाएगा जीरो पांचिया पंद्रह के पांच बाकी एक चार तिया बारह एक तेरह इतना मिलीलीटर हो जाएगा क्लियर है सुना पांच पंद्रह के पांच बाकी एक चार बारह एक तेरह हो जाएगा अब बताओ यहां से अगर आपको एक का मान निकालना है तो निकाल सकते हो का तो कहोगे बिल्कुल जी पचास से साढ़े चार सौ हुआ यानी कि चार सौ मिली लीटर आ गया एक का मान अगर बी का मान यहां से निकालना चाहो तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या तो कहेंगे बिल्कुल हम बी का मान निकाल सकते हैं इसमें से घटा देंगे तो तेरह में से डेढ़ गया ये आ जाएगा बारह सौ मिली लीटर 1200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर, मिलीलीटर ऐसा ऐसे होता है जी यहां भी गलत लिखा गया है ठीक है भैया चलिए हमसे पूछा कि ए प्लस बी का मान क्या होगा आप ही बताओ ए मान हो गया 400, a का मान हो गया 400, और यहां पे कितना आ गया है ना 1200, सौ बी मान हो गया 1200। उत्तर हो गया 1600 सो मिलीलीटर आने की ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कितनों लंबा हो लेकिन सारा में एक ही कंसेप्ट आपका काम किया कहीं कोई अलग नहीं है क्या यहां तक आप लोग की बात समझ में आया हाँ रहने देते हैं भाई ये टाइप समाप्त होने दो ना क्लियर है क्या यहां तक किन्हीं को परेशानी है हम साइड हो गए हैं किन्हीं को अगर परेशानी है तो हमको बता दीजिए हमको बता दीजिए किन्हीं कोई को दिक्कत है तो हमको बता दीजिए अब यहां पे गौर करिएगा इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन देखिएगा तो अगला टाइप में आएगा ये क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ठीक है भैया इसमें क्या है समझाकर क्लास को बंद करते हैं इसमें है कि एक जग में ए और बी दो द्रव मिला हुआ है जिसका अनुपात है चार अनुपात एक जब दस लीटर मिश्रण निकालकर मिश्रण का मतलब ये पूरा है ना मिश्रण का मतलब ये पूरा ये पूरा मिश्रण निकाला है दस लीटर मिश्रण निकालकर दस लीटर बी मिलाया जाता है और ये वाला बी जो है दस लीटर मिलाया जाता है कौन केवल बी मिलाया जाता है निकाला जाता है पूरा मिश्रण अब मिलाया जाता है कौन बी द्रव डाल दिया जाता है तो द्रव में A और बी का अनुपात हो जाता है दो अनुपात तीन तो प्रारंभ में ए की मात्रा क्या था ये क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है क्या आपको समझ में आया तो गौर करिएगा अभी तक यहाँ पे जो क्वेश्चन था ए और बी को मिलाने की बात करता था या तो ए को मिलाता था या बी को मिलाता था या ए और बी दोनों को मिलाता था लेकिन यहाँ पे A और बी पूरे मिश्रण को उसने निकाला है मिश्रण निकालता है और किसको केवल मिलाता है केवल बी को मिला रहा है और अनुपात चेंज हो जाता है तो इसको कैसे में बनाएंगे तो इसको बनाने का आपके पास दो तरीका होगा है ना इसको बनाने का दो तरीका होगा इसका एक तो हम बेसिक कंसेप्ट जो अभी हम बता रहे हैं बहुत ईजी है वो भी देंगे और इसको हम है ना शॉर्ट मेथड भी हम देंगे मतलब उससे निकला हुआ जो कंसेप्ट जिसको आप ट्रिक कहते हैं वो भी देंगे दोनों तरीका से इसको हम देखेंगे लेकिन आज नहीं ये वाला क्लास हम कल करेंगे कल करेंगे ठीक है भैया कल से इस टाइप से चलेगा यानी कि टाइप तीन से चलेगा यह है आपका टाइप तीन है ना मिश्रण का टाइप तीन है ना इसमें भी बहुत तरह का क्वेश्चन है घुला घुला का सारे क्वेश्चन को हम कल करेंगे ठीक है भैया चलो तो एक बार कमेंट्स करके हमको बता दो यूट्यूब पर भी ऐप पे भी कि ये क्लास कैसा लगा जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके हमको बता दो क्योंकि हमें जानते हैं इसमें बहुत कम विद्यार्थी रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबी लंबी थी बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन था सर आप इतना अक्सर पढ़ाते हो क्यों इतना कम लाइव होता है समझ नहीं आता है हाँ समझ में आएगा विवेकानंद सर मजा आ गया गुड नाइट सर है ना सचिन गुड नाइट सर बेस्ट बहुत बढ़िया है ना चलो और लो बताओ भैया और क्लास कैसा लगा जल्दी से कॉमेंट बता दो जबरदस्त शानदार गर्दा लगा गर्दा लगा ठीक है भाई जबरदस्त मैं मजा आ गया क्वेश्चन में ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ठीक है भैया तो मिलते हैं कल के क्लास में गुड नाइट रात्रि ओके बाय बाय